देखिए, सबसे पहले तो मैं ये नारा दूंगी कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारे भारत की जय, भारत की जय। और आज का कार्यक्रम हमारा करने का मकसद ये है कि जो बाहर के कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई है कि मुस्लिम लोग तिरंगे झंडे से परहेज करते हैं, उससे गुरेज करते हैं, वो गलतफहमी दूर मैं करना चाहती थी। हिंदुस्तान की जय नहीं बोलते मुसलमान, उनका ये कहना था, भारत की जय नहीं बोलते ये कहना था। मैं उन बहुत सारी बुराइयों को दूर करना चाहती हूँ। हम चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे ना बटें, हम अपने देश की तरक्की के बारे में सोचें, वो विचार करें कि हमारा हिंदुस्तान सारे देशों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाए। शबाना खंडेलवाल ने हमको आवाज दी, हम के मुल्क में हम अमन अमान का पैगाम देना चाहते हैं, और हमारा प्रशासन जहां तक हमारे इल्म में कि वो जानता है, हमने हमेशा आगरा में अमन का पैगाम दिया है और आखिर तक भी, अपनी आखिरी दम तक भी पैगाम अमन का देते रहेंगे। इसलिए हम उनके साथ आए, और साथ साथ ये है कि तिरंगा पर मैं ये कहूंगा कि तिरंगा हमारे मुल्क की शान है, हमारी शान है, हम उस पर कुर्बान हैं, लेकिन तिरंगा को सियासत का मुद्दा ना बनाया जाए, तिरंगा को लेकर के कोई सियासत ना की जाए। आज हम ये पैगाम देना चाहते हैं, और जो हमारी मांगे 14 मांगे हैं, उन मांगों पर हम कहेंगे राष्ट्रपति जी से, आपके इस चैनल के माध्यम से जो हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, उसमें हमने खास तौर से जो मांगे की हैं, अभी सवाना जी ने आप बताया, तो उस पर गौर किया जाए उन मांगों पर, और उन मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाए ताकि हिन्दुस्तान में अमन और अमन चैन कायम रहे। और इसी के साथ साथ जो कासगंज में हुआ है, दोबारा कहीं ऐसी घटना न घटे, इसलिए हम